लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। गुलाब के बोलेगा जी आ जाओ, ऐसा नहीं है। वो भी हमें हैरेस करेगा, हम भी उसे हैरेस करेंगे। जहां पे चाइना कर सकता है चाइना करेगा, जहां पे हम कर सकते हैं हम करेंगे, बट डायरेक्टली कोई नहीं करेगा। पीपल विल यूज डिप्लोमेसी, क्योंकि चाइना को पता है इंडिया के साथ चाइना डायरेक्ट कंफ्लिक्ट में आने की कोशिश नहीं करेगा। गलवान में भी जो हुआ था, चाइना साहब वो लड़ने थोड़ा ना आया था। चाइना जो चाइना गलवान में आया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया था चाइना, आईबॉल टू आईबॉल। चाइना नेवर इंटेंडेड टू फाइट। उसके दिमाग में यह था कि वील टीच इंडिया लेसन। एक मैसेजिंग थी, वो मैसेजिंग गड़बड़ हो गई चाइना की। जो उसने सोचा था कि इंडियन आर्मी पीछे हट जाएगी और बोलेगी कि नहीं 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 आप तो चाइनीज हैं, आप 10 फुट लंबे हैं और भाई साहब ये हाँ, उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत ज्यादा मजबूत है, उनकी फौज हमसे बड़ी है, राइट? बट वी आर फाइटिंग फॉर आवर ओन लैंड एंड वी विल डिफेंड आवर लैंड, नॉट जस्ट हियर, वी विल डिफेंड इंडिया इंटरनेशनली। अगर हमें लगता है कि चाइना की पोजिशन फॉरेन कंट्री में कॉम्प्रोमाइज होती है, यूरोप में कॉम्प्रोमाइज होती है, तो हम उसको यूरोप में कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे। ये दिस वॉर इज नॉट ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ओनली। और ये आप सोचें कि साहब साउथ चाइना सी या मलाका स्ट्रेट में ही खेल चल रहा है, श्रीलंका में ही खेल चल रहा है, दैट्स नॉट ट्रू। दिस वन अपमैनशिप, आई डोंट नो मैं सही वर्ड यूज कर रहा हूं कि नहीं, बट वन अपमैनशिप जो है ये एक दूसरे का टॉम एंड जेरी का खेल है दुनिया भर में। अब आप देखेंगे अगले 4-5 साल में ये दुनिया भर में चलेगा। जहां पे इंडियंस, जहां पे हमें लगेगा कि चाइनीज कंपनी को एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, वी विल यूज कंप्लीट डिप्लोमेसी, गिव अ बेटर डील टू मेक श्योर कि इस चाइनीज कंपनी को इधर लाइसेंस ना मिले। चाइना विल डू द सेम। चाइना वही हमारे साथ करेगा कि यार इंडियन कंपनी को उधर लाइसेंस ना मिले। टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में इंडिया अगर इन्वेस्ट कर रही है तो चाइना पूरी अपनी डिप्लोमेसी इस्तेमाल करेगा। चाइना की डिप्लोमेसी एक्चुअली जो पैसे वाले मुल्क है वहां पर काम नहीं करती। चाइना की डिप्लोमेसी इन द सेंस दैट जितने भी मुल्क हैं जिनके पास पैसा है, इधर दे आर न्यूट्रल टुवर्ड्स चाइना और दे डोंट लाइक चाइना वेरी मच, बट इकोनॉमीज इंटरलिंक्ड है, उनको सुननी पड़ रही है बिकॉज ऑफ वन ऑफ द अदर रीजन। एंड चाइना उनकी सुनता है, वो चाइना की सुनते हैं, बोथ वेज, नॉट सिंगल वे बट बोथ वेज। लेकिन ये बात है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा चीमा साहब, ये इधर नहीं रुकेगा। आज हमने रोका है, कल वो हमारा जहाज रोकेंगे, परसों हम उनका रोकेंगे जहाज, ये रुकता रहेगा ऐसे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज ये एक अनएंडिंग एक चीज है कि ये होनी ही होनी है। और जाहिर बात है कि वो श्रीलंका में इंडिया एंड चाइना एक हिसाब के, जिसे पूरी दुनिया का प्रेस यही कह रहा है कि दोनों जो है वो अपने इन्फ्लुएंस जो है वो वहाँ पे स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, और क्या रिजल्ट निकलता है वो बीच में डिफॉल्ट करके। एनी हाउ एक चीमा साहब अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात और कहना चाहूंगा मैं। जी श्रीलंका इज अ वेरी स्मॉल पार्ट। आप देखेंगे इंडिया की फाइट विद चाइना, असली जो इंडिया का होगा ना पुश, इंडो पैसिफिक एक स्टोरी है, वो तो ग्लोबल स्टोरी है ना, बट डायरेक्टली विद इंडिया एंड विद चाइना आप देखेंगे अफगानिस्तान में। देखिए चाइना हैज गॉट पाकिस्तान हेल्प, पाकिस्तान हैज गॉट अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान एंड थ्रू द वाखान कॉरिडोर चाइना ऑल्सो हैज एक्सेस टू अफगानिस्तान। ये बात सच है, ठीक है। इंडिया डज नॉट हैव डायरेक्ट लैंड एक्सेस टू अफगानिस्तान, ये भी बात सच है, राइट? और ठीक है, ईरान इंडिया का दोस्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईरान पाकिस्तान और इंडिया के लिए पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ईरान ऑल्सो वॉन्ट्स टू प्ले अ बैलेंसिंग एक्ट, ईरान भी हमसे फायदा उठाएगा, हम भी ईरान से फायदा उठाएंगे। लेकिन जो इंडिया ने 20-30 साल में गुडविल बनाई है अमंग द कॉमन अफगान, वो तालिबान भी मना नहीं कर सकता चीमा साहब। तालिबान आप देखिए, तालिबान का ऐसी कोई बात नहीं थी कि तालिबान इंडिया के दोस्त थे, लेकिन आपने देखा होगा कि तालिबान, मैं आउटराइट फ्रेंडली ना भी बोलूं तालिबान को टुवर्ड्स इंडिया, बट आपने देखा होगा कि एक जमाने में जब पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा था कि बस अब तो तालिबान आ गया, अब तो इंडिया की छुट्टी हो गई, कश्मीरी से हारने की छुट्टी हो गई, आपने देखा होगा तालिबान हैव बिकम न्यूट्रल टुवर्ड्स इंडिया इन लेस देन 1 ईयर, अभी 1 साल नहीं हुआ चीमा साहब, एंड तालिबान हैव बिकम न्यूट्रल टुवर्ड्स इंडिया। तो मुझे लगता है कि ये हमें देखने वाली बात है, ये जो लड़ाई है वर्चस्व की, वन अपमैनशिप की, जो ओवरऑल सुजरेनिटी की जो लड़ाई है, ये अफगानिस्तान में भी लड़ी जाएगी। ग्रेट गेम, एंड दिस टाइम द ग्रेट गेम विल ऑल्सो बी फॉट अमंगस्ट अदर पार्ट्स। इसमें रूस भी है शामिल, इसमें अमरीका भी है शामिल, इसमें यूरोप भी है शामिल, बट इसमें इंडिया और चाइना भी शामिल है, एंड दे ऑल्सो हैव वेरी वेरी हाई स्टेक्स इन अफगानिस्तान, और इसका स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान में जरूर जाएगा। तो आप ये समझ रहे हैं कि आप इंडिया का, इंडिया चाइना का कंपटीशन जो है दैट इज नॉट जस्ट एट गलवान और एलएसी के ऊपर नहीं है, इट्स इन द एंटायर रीजन। इंडिया इस कंपटीशन को, कंपटीशन कह लें या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कह लें, इसको बढ़ाना चाहता है ताकि जो है वो अगर ये एलएसी पे रहता है तो दैट इज जस्ट द चाइनीज टर्फ,
तो आप जहां जहां पे चाइनीज स्टफ है, जहां जहां पे चाइनीज स्पेस है, उस पे चाइना को चैलेंज करना चाहते हैं, सो दैट इट कुड बी न्यूट्रलाइज्ड इन एलएसी. दैट इज अ गुड स्ट्रेटजी बाय द वे, कि अगर आप उसको और जगहों पे भी इंगेज करते हैं तो वो एलएसी के ऊपर भी वो फिर आपको दबा के नहीं रखेगा. दिस इज अ गुड. एनी हो, वो तो नजर आ रहा है कि जिस तरह तालिबान ने कहा है कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं और वो करना चाह रहे हैं, वो चीजें तो सामने आ रही है. लेकिन आई थिंक द चाइनीज आर टू स्मार्ट. वो एवे अफगानिस्तान में पैसा नहीं लगाएंगे, वो उनको पता है वहां से कुछ भी निकलने वाला नहीं है. लेकिन ऑब्वियसली वो चाहते तो हैं कि वो एक खास किस्म का जो मिलिटेंट्स हैं, वो बस इन चाइना के अंदर किसी किस्म का इन्फ्लुएंस ना रखे उनको. मेरा ख्याल है इस हद तक, बाकी चाइना अफगानिस्तान मरता है, जो मरता होता है वहां पे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है.